हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू आवर फोर्थ इंग्लिश क्लास टुडे इन आर इंग्लिश ग्रामर क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन आवर लेसन सेंटेंसेस सो बेटा कल हमने आपसे कुछ राइटल्स पूछी थी आई बिलीव आप सभी को उन राइटल्स का सॉल्यूशन मिल गया होगा तो चलिए हम उनके आंसर्स को चेक करते हैं सो so, सबसे पहला हमारी जो राइटल थी वट विल यू बाई टू ईट बट नेवर ईट द थिंग कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन उसे आप कभी भी नहीं खाते हैं तो आपका आंसर है आई विल बाय अ प्लेट टू ईट बट नेवर ईट द प्लेट कि हम जो प्लेट है उसको हम खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन उस प्लेट को हम कभी भी नहीं खाते हैं सेकेंड जो हमारी राइडल थी वट हैज़ आइज बट कैन नॉट सी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी आइज होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकता सो आंसर पोटैटो ए पोटेटो हैज़ आइस वट कैन नॉट सी आपने देखा होगा जो पोटैटो होता है उसके ऊपर कभी कभी वाइट वाइट निकल के आ जाते हैं जिनको हम उसकी आइज़ बोलते हैं जो पोटैटो होते हैं उसकी आइज़ होती हैं लेकिन उस देख नहीं सकता इसी प्रकार से एक हमारा कोकोनेट होता है कोकोनेट की भी आइज़ होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकता है नेक्स्ट जो हमारी राइडल थी वट गोज द रेन कम्स डाउन की क्या है ऐसी चीज़ जो ऊपर जाती है जब बारिश नीचे आती है सो आंसर इज अम्ब्रेला या एंड अम्बरेला गोज़ अप वेन द रेन कम्स डाउन कि जो अम्बरेला है वो ऊपर की तरफ जाता है जब भी बारिश नीचे आती है तब फोर्थ है वट कैन यू कैच बट नोट थ्रो ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप कैच कर सकते हो लेकिन उसे अगर आप थ्रो करना चाहो थ्रो नहीं कर सकते सो आई कैन कैच अ कोल्ड हम जो सर्दी होती है जुकाम होता है वी कैन कैच द कोल्ड बट नाट थ्रो इट लेकिन उसे हम वापस नहीं सकते सो आई बिलीव आप सभी के आंसर्स करेक्ट होंगे सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टूडेज टॉपिक सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस तो हमारे सेंटेंसेस में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस रीड द सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे दिस इज माई बुक दिस इज माई बुक तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है इसको हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस हमारा ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है नेक्स्ट है दिस इज नोट माई बुक अब यहाँ पर हमने नोट का यूज कर दिया है तो नोट का यूज़ करते हैं ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया सो दिस इज नॉट ए बुक ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है द एथलीट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द टूर्नामेंट जो एथलीट्स हैं वो टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं द एथलीट्स आर नॉट प्रपेयरिंग फॉर द टूर्नामेंट अब यही इसी का हमने सेम का नेगेटिव बनाया है द एथलीट्स आर नॉट प्रपेयरिंग फॉर द टूर्नामेंट सो ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेज कैन बी चेंज इंट नेगेटिव सेंटेंसेज किसी भी प्रकार के जो सेंटेंस हम हमने पढ़े हैं हर तरह का जो सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं इफ़ देर इज इज एम आर वाज वर इज एम आर वाज वर हमारी क्या होती हैं हेल्पिंग वापस होती हैं सो so, अगर ये हमारे पास हैं एज़ एम आर वाजर इन देंटेंस सेंटेंस के अंदर इट बिकम्स वेरी ईजी तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है वी जस्ट एड नोट आफ्टर इज़ एम आर वाज वर टू चेंज द सेंटेंस इन टू नेगेटिव सेंटेंस तो अगर हमारे पास इज एम आर वाजवर है तो हम उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम सिंपल सा एज एम आर वाज वर के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे और हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा नव रीड सेंटेंसेस अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं माइक हैज़ अ ब्लू कैप माइक के पास एक ब्लू कैप है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है सो so, इसको में अगर हम देखें तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो हमारी डू do या डस हम यूज़ करते हैं लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमारी हेल्पिंग वब नहीं लगती है जबकि अगर हम उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम डू do या डस का प्रयोग करता है तो यहाँ पर हमारे पास था माइक हैज़ ए ब्लू कैप सो so, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो माइक डज नॉट हैव अ ब्लू कैप हैज का क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा और जो और यहाँ पर हमारा डज लग जाएगा माइक डज नॉट हैव अ ब्लू कैप नेक्स्ट देखते हैं दे गो टू स्कूल वो स्कूल जाते हैं सो so, यहाँ पर हमारे पास अगेन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल है तो यहाँ पर हम प्लूरल में हम क्या यूज़ करेंगे डू का यूज़ करेंगे दे डू नॉट गो टू स्कूल नेक्स्ट है हमारा जो स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड जो है स्माइल smile. स्माइल्ड क्या है हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है स्माइल की तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कब यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में तो सिंपल पास्ट टेंस हमारा है सिंपल पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड नेगेटिव बनाने के लिए सो so, जो डिड नॉट स्माइल एट इज़ फ्रेंड की जो है वो अपने फ्रेंड के ऊपर स्माइल नहीं करता इस एम आर इस अगर हमारे पास इस एम आर वाज वर नहीं हो यहाँ पर वी नीड टू एड टू चेंज द जो भी सेंटेंस हम नेगेटिव में चेंज करते हैं उसके लिए हमें डू डज या डिड का यूज़ करना होता है तो जिस प्रकार से हमने पीछे देखा किस प्रकार से हमने डू डिड डेड को यूज़ करते हुए इसमें हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए सो रीड हाउ द पॉजिटिव्स कैन बी टर्न इनटू नेगेटिव तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे नेगेटिव में बना सकते हैं द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल जो ड्रेस है वो ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर हमारा इज आ रहा है तो उसके साथ नोट लगा देंगे द ड्रेस इज़ नोट ब्यूटीफुल तो यहाँ पर आपने नोट का यूज़ कर दिया नेक्स्ट इज द कप वाज ऑन द टेबल जो कप था वो टेबल के ऊपर था सो so, यहाँ पर हमारे पास वाज आ रहा है तो वाज के बाद नोट लगा देंगे द कप वाज नोट ऑन द टेबल जो कप था वो टेबल के ऊपर नहीं था नेक्स्ट देखते हैं वी कैन ऑर्गेनाइज द इवेंट हम इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो कैन के साथ हम नोट लगा देंगे कैन नोट हो जाएगा वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज द इवेंट नेक्स्ट इज सानिया विल मीट डॉक्टर पाटिल अब यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब विल यूज कर रहे हैं हम तो विल के साथ हम क्या लगा देंगे नोट का यूज़ करेंगे सानिया विल नोट मीट डॉक्टर पाटिल नेक्स्ट देखते हैं दे बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी कि उन्होंने लाइब्रेरी से बुक्स बोरो की हैं सो so, यहां पर भी हम क्या करेंगे हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे जो हमारी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डू तो यहाँ पर हम दे डू नोट बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी नेक्स्ट है ही सेंग एंड ओल्ड सॉन्ग अब यहाँ पर सेंग आया है पास्ट टेंसेज सिंपल पास्ट टेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं डिड का यूज करते हैं सो ही डिड नॉट सिंग ए एन ओल्ड सॉन्ग इसके बाद नेक्स्ट है बेटा चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस सेंटें तो आपको ये अपनी बुक में करना है अपनी बुक के अंदर आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करेंगे सो so, सबसे पहला है पोल वॉचिज कार्टून शोज ऑन टेलीविजन अब यहाँ पे पोल वॉचिज हैं मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो यहाँ पर हम नेगेटिव में चेंज करते हुए हम इसमें डू या डस का यूज करेंगे सो पोल डज नोट वॉचिज यहाँ का एस हट के कहाँ से जाएगा एस डू के साथ लग जाएगा सो पोल डज नोट वॉच द कार्टून शोज ऑन टेलीविजन सेकेंड है आई रैन फास्ट यस्टरडे अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है रन है रन की हमने सेकंड फॉर्म यहाँ पर रैन यूज़ की हुई है तो ये हमारा पास्ट टेंस है पास्ट टेंस में हम जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वहाँ पर हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड की यूज करते हैं सो आई डिड नॉट रन फास्ट यस्टरडे सो यहाँ पर हम रेड की जगह क्या बना देंगे रन बना देंगे आई डिड नॉट रन फास्ट यस्टरडे थर्ड देखते हैं रानी वाज ड्राइविंग द कार की जो रानी है वो अपनी कार ड्राइविंग कर रही है सो so, यहाँ पे हमारे पास वाज है तो सिंपल है रानीवास नॉट ड्राइविंग द कार नेक्स्ट द ऑडियंस स्टूड अप इन अप्रिशिएशन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टूड है स्टूड हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टैंड है तो हमारा अगेन ये हमारा सिंपल पास टेंस है द ऑडियंस डिड नॉट स्टैंड अप इन अप्रिशिएशन सो यहाँ पे बेटा ये अप्रिशिएशन की स्पेलिंग गलत हो गई है जिसको आप करेक्ट कर लेंगे द ऑडियंस डि नॉट स्टैंड अप इन अप्रीशियेशन नेक्स्ट देखते हैं सारा वेट्स फॉर हर फ्रेंड एट द बस स्टॉप सारा है वो बस स्टॉप के ऊपर वेट कर रही है अपने फ्रेंड का सो so यहाँ पर हमारे पास वेट से, so है सो प्रेजेंट इन टेंस है डू या डस का हम यूज करेंगे सारा डस नॉट वेट फॉर हर फ्रेंड एट द बस स्टॉप की सारा अपने फ्रेंड का बस स्टॉप वेट नहीं करती है नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है सो so किसी भी काम को जो करने वाला है या फिर हम किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में भी हम बात करते हैं हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं और उसके बारे में जो भी कहा जाता है या फिर लिखा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है सो रीड द सेंटेंसेज एंड सेंटेंसेज को आप पढ़ेंगे हैरी लाइक्स टू प्ले विथ टॉइस अब यहाँ पे जो हरी है ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में सेंटेंस है हमारा और इसके बारे में हमें क्या बताया गया है लाइक्स टू प्ले विथ टॉयस तो ये हमारा प्रेडिकेट है इसी प्रकार से टीना इज़ ए गुड गर्ल टीना इज़ ए गुड गर्ल सो so, टीना हमारा हमारी जो यहाँ पर है तो टीना के बारे में हमने सेंटेंस बोला है तो टीना हमारी सब्जेक्ट है इज ए गुड गर्ल हमारी प्रेडिकेट है नेक्स्ट है फरीना इज साइकिलिंग इन द पार्क अब यहाँ पर हमने देखा कि फरीना फरीना क्या है यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट है ये हम इसके बारे में हम सेंटेंस में बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं इज साइकिलिंग इन द पार्क तो इज साइकिलिंग इन द पार्क हमारा क्या होगा प्रेडिकेट होगा और फरीना हमारा सब्जेक्ट होगा द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट तो जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो क्या होता है जिसके बारे में भी हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ बताता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है इन द अबो सेंटेंस इन सेंटेंसेस के अंदर हैरी टीना एंड फरीना आर सब्जेक्ट तो हमने देखा कि हैरी टीना और जो फरीना है ये हमारे सब्जेक्ट्स थे द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट दस अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट अब जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर जो भी पार्ट होगा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा प्रेडिकेट कहलाएगा द फॉलोइंग पार्ट इन द अबो सेंटेंस आर प्रेडिकेट सो ये जो नीचे लिखे गए हैं ये हमारे प्रेडिकेट थे ये हम पहले देख चुके हैं लाइक्स टू प्ले विथ ट्वाइस तो हैरी लाइक्स टू प्ले विथ ट्वाइस तो हैरी हमारा सब्जेक्ट था उसके बाद जो हमने बात की थी लाइक्स टू प्ले विथ ट्वाइस ये हमारे प्रेडिकेट था इसके बाद इज़ अ गुड गर्ल जो सेकेंड सेंटेंस था उसके अंदर इज़ अ गुड गर्ल जो था वो हमारा प्रेडिकेट है नेक्स्ट है इज साइकिलिंग इन द पार्क तो इज साइकिलिंग इन द पार्क हमारा क्या है प्रेडिकेट है सो एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट इन द प्रेडिकेट हर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट होता है यहाँ पर आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हेयर आर सम्पल्स द बॉयज वॉट द प्लांट्स द बॉयज आपका किसके बारे में हो रही है बात हमारी द बॉयज़ के बारे में तो बॉयज़ क्या है हमारा सब्जेक्ट है वाटर टू द प्लांट क्या है हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि ये हमें बॉयज़ के बारे में बता रहा है नेक्स्ट देखते हैं जेंट पांडा आर जेंटल एनिमल्स तो जेंट पांडा हमारा क्या है सब्जेक्ट है और उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं आर जेंटल एनिमल्स तो ये हमारा प्रेडिकेट है नेक्स्ट है सेल्स आर फाउंड ऑन बीचेस अब सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सेल्स हमारी क्या है सब्जेक्ट है और क्या बात कर रहे हैं आर फाउंड ऑन बीचेस वो हमें बीचेस के ऊपर मिलती है समुद्र के किनारों के ऊपर मिलती है तो आर फाउंड ऑन द बीचेस क्या है हमारा प्रेडिकेट है नेक्स्ट है सी लव्स डॉग्स अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है सी है और लव्स स्टॉक हमारा क्या है प्रेडिकेट है नेक्स्ट है बेटा मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट आपको सब्जेक्ट को उसको प्रेडिकेट के साथ मैच करना है टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस वन हैज बीन डन फॉर यू इनमें से आपके लिए एक किया गया है तो यहां पर आपका जो सन है इसको आप पहले से ही मिलाया गया है लुक्स लाइक ए ऑरेंज बॉल के साथ सो द सन लुक्स लाइक एन ऑरेंज बॉल नेक्स्ट हमारा है कैट्स कैट्स so, को आप किसके साथ मैच करेंगे यस कैन सी इन द डार्क आप इसको ई के साथ इसको यहाँ पर मैच कर देंगे कैट्स कैन सी इन द डार्क थर्ड है सिप्स सिप्स क्या करती हैं सेल ऑन द सी इसको आप सेल ऑन द सी के साथ मैच कर देंगे सो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, है ये हमारा प्रेडिकेट है इसका हम मैच कर रहे हैं द टीचर अस वेरी वेल सो द टीचर है सब्जेक्ट well. so इसका प्रेडिकेट क्या है अस वेरी वेल नेक्स्ट द पुलिसमैन द पुलिसमैन हमारा सब्जेक्ट है caught द robbers, ये हमारा प्रेडिकेट है नेक्स्ट है ऑल पेरेंट्स लव दअ चिल्ड्रन सो आल पेरेंट्स हमारा सब्जेक्ट है लव दर चिल्ड्रन के साथ आप इसको मैच करेंगे सो बेटा थैंक यू हैव अ गुड डे अहेड और आप अपना जो काम है उसको बड़े ही आराम से और तसल्ली बख्श करेंगे थैंक यू हैव अ गुड डे अहेड